गाइस तो आज हम कहीं एक न्यू में आए हैं, न्यू लोकेशन पे। तो हम लोग आपको आगे मंदिर जाके बताएंगे कि कहाँ पे हैं। तो अभी तो चलते हैं। तो सामने आपको व्यू देख सकते हैं आप। तभी हम यहाँ से जाएंगे यहाँ तक। गाइस तो वेरी ब्यूटीफुल टीशर्ट। ओए क्यों नहीं हुआ यहाँ चोर साली। व्यू घट्टे कर ए रहा हूँ, ए रह चलेगी यार। शिट तो भी यहाँ से व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से देखता है। वाओ अमेजिंग। तो आप लोगों को मैं यहाँ का व्यू बता देती हूँ। यहाँ से बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है शिमला की पूरी पहाड़ी दिखती है। चौथे जो है वो दुर्गा माता जी प्यारी एक शिव मंदिर है, जहाँ पे बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पे व्यू देखने को मिल सकता है आपको। और यहाँ है हनुमान जी की मूर्ति, जो कि बहुत ही प्यारी है। और आप व्यू देख सकते हैं यहाँ का कितना ही प्यारा है। और मौसम उसी हिसाब से जो है यहाँ पे बन चुका है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे धर्मशाला की जो है दौलादार पहाड़ी, जो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मंदिर बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चले ऐसा होगी। ठीक है गाइस, आज हम पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आ रहा है। और हम लोग जो है वो पूरा कवर करने वाले हैं, जो कहीं आराम से और हाय अच्छे हैं। बस अपने आप ले जा रही है सारी नारा ले रहे हैं। लोकेशन है छा वाला नहीं मुंह पे आड़ चले आना। हेलो, हेलो नैना।
सोके चला ना था। ये है हमारी वंशिका, पता क्या कर रहा, दवा लेना जी वीडियो बंदे ना तो तीन दवा ले क्रॉप मार लेना गाइस। हम लोग मंदिर के दर्शन करके फिर घर जा रहे हैं वापस, तो चलो चलते हैं। आप देख सकते हैं हम मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। तो अभी मेरे साथ है अंशु और बंशु, बंशु दूसरी साइड है लेकिन इसका हाथ नहीं पहुंच रहा मेरा यहाँ तक। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं अभी घर, क्योंकि घर हमें जाना है। अभी हमने घूमते घूमते जाएंगे हम चामुंडा मंदिर की ओर से। चलो, पर बारिश का मौसम कुछ बहुत ही खराब होने वाला है, तो हम लोग जो है मेन रोड पर होंगे। और मंदिर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ का। मेरे पास नहीं है, उधर बैग में है। जीप में करते मेरे पास इसको ना, तो कैसे यहाँ पे है। तो बंशु अभी आ गई है, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ से आधा। तो हम लोग जो है दर्शन करके आ गए, और बाहर सामने का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही खराब हो गया है यहाँ पे बारिश लगने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो पीछे व्यू। और यहाँ पे आज चाटीसी ने इतना बड़ा धुआं फेंका है कि बहुत ही बुरा हाल है। तभी हम पहुंच गए गाड़ी में। और जाना सो दिन देखो लो ना, ये चालक की बस ते गट्टी लेता रास्ते में पहुंचे है, पता नहीं जगह कौन सी है, इसका नाम नहीं पता, लेकिन लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, यानी कि बहुत ही प्यारी, अमेजिंग, टॉप 9। गल्ला ना बनाइए ता जवानी केड़े काम दी।
हाय बेबी, बस हाय करें, हाय हाय हाँ तो जो कुल छेड़ों दिले सी सफल ला काले जाप्टा मारता मुँह आओ मैंने 1 hour later को लगी सर में दर्द, इसलिए मैंने लगा लिया है, दुपट्टा बांध लिया है। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं घर, और पापा को हमने बोला नहीं था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने, तो हम लोगों की क्लास लगने वाली है, इसलिए भारती को मैं पहले भेजूंगी कि भारती पहले पापा को मना ले। लेकिन भारती तो सीधा, भारती का रूम भी ऊपर है, भारती तो चुपचाप से चले जाएगी, लेकिन नंबर मेरा आने वाला है, तो भगवान जी बचा लियो हमें, तो अभी चलते हैं। तो मौसम कुछ बहुत ख़राब है ना, शुक्र है अभी तक बारिश नहीं लगी, हमें घर पहुंचने दे। उसके बाद तो सर में दर्द लगी इतनी ज़्यादा ना, बहुत बुरा हाल है। तो अब घर में जाके जो है सर का इलाज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय। तो यहीं पे करते हैं एंड, ज़्यादा नहीं खींचना है मुझे, ज़्यादा नहीं बनाना है ब्लॉग, सिर्फ इतना कि इसी में एंड कर देती हूँ, या पार्ट वाइज बना दूँ, बनाना होगा तो मैं पार्ट वाइज कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स हैं मेरे पास पड़े हुए हैं। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं क्या बनता है। तो पीछे आप देख सकते हैं व्यू मेरे गाँव का, तो सिर में तो बुझा रुक लगी अभी, ब्लॉग बनाने के लिए कोई दर्द नहीं है, लेकिन दर्द तो अभी शुरू होगी। दादी भी घर पे है, पापा भी घर पे हैं, कत्लेआम होने वाला है हमारा। भारती तो पीछे पीछे चली गई ना आराम से, इसका तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन मेरा नंबर लगने वाला है। चलो पहले टिक्का वगैरह मिटा लेते हैं, नहीं डाल देती, प्रसाद भी लिए। बाय बाय। नेक्स्ट, मैं अपने फ़ोन का चार्जर गाड़ी में भूल आई हूँ, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम है, तो पता नहीं आज ब्लॉग अपलोड होगा भी या नहीं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक जो है ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, अगर जितना सी होता है मेरे में उतना मैं कर देती हूँ, उसके बाद जो है देखूँगी, अगर अपलोड करने के लिए होगी बैटरी तो मैं कर दूँगी, अगर नहीं होगी तो फिर सॉरी। तो चार्जर पता नहीं मुझे अभी कल मिलेगा या परसों मिलेगा, वो मुझे नहीं पता। तो भारती को लगी ठंड बुरे हाल से।